हे दोस्तों नमस्कार, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, रात के 10 बज चुके हैं और जैसा कि पर डे मैं आप सबके लिए हिंदी और विज्ञान का जो टेस्ट है 10 बजे लेकर के आता हूं, तो अभी स्टार्ट करेंगे टेस्ट को। इसके अलावा दोस्तों, मैं जब रीजनिंग का वीडियो करवाता हूं आपको 9 बजे और दोपहर में गणित का वीडियो कराता हूं, तो आप लोग लाइव नहीं जुड़ते हो, ये गलत बात है। अगर मैं वहां पर मेहनत कर रहा हूं, हिंदी और विज्ञान से ज़्यादा मेहनत उसमें लगती है, तो वहां पर मैं मेहनत कर रहा हूं, हार्डवर्क कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, तो उसको भी जाकर के ज़रूर देखा करिए जब लाइव चल रहा होता है। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर अगर आप कंप्यूटर के वीडियो देखना चाहते हैं, करंट अफेयर के वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको लगातार बहुत अच्छे से जो कंप्यूटर के वीडियोस हैं, करंट अफेयर के वीडियोस हैं, दे रहा हूं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। नीचे लिंक दिया गया है और आज का जो PDF है वो आपको फिर से मैंने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर के वहां पर डाउनलोड कर सकें। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का मिल जाएगा, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, रेडी हैं आप सभी लोग? जितने लोग यहां पर जुड़ गए हैं अभी, धीरे धीरे लोग जुड़ ही रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो लेकर के आऊं, जब भी मैं कोई लाइव टेस्ट लेकर के आऊं, तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। चलिए रेडी करते हैं। तो आज का जो हिंदी में टॉपिक है, आज बहुत सारे टॉपिक है क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, तो उनको एक साथ कवर कराऊंगा। और आप लोग जिसका वेट कर रहे हो पत्र लेखन, वो मैं आपको कल वाले वीडियो में लेकर के आऊंगा। पत्र लेखन कल मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पत्र लेखन रहेंगे, तो कल जरूर आइएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो ये आपके सामने ये रहा, समानार्थी शब्दों का विवेक। यानी कि आपको यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। तो प्रमत्त स्वेच्छाचारी, बताइए प्रमत्त का जैसे अर्थ होता है स्वेच्छाचारी, वैसे यहाँ पर और यहाँ पर जो है दूसरा अर्थ क्या होगा, बताइए इसका एक अर्थ और क्या हो सकता है, इन चारों में से क्या हो सकता है? चलिए जवाब देखिए, यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई जैसे प्रमत्त का अर्थ स्वेच्छाचारी होता है, वैसे उन्मत्त भी होता है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रमत्त का अर्थ इसके अलावा एक उन्मत्त भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जितने भी लोग बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कनक धतूरा, कनक का जैसे मतलब होता है क्या भाई, धतूरा, कनक का अर्थ धतूरा होता है। इसी तरह कनक का एक अर्थ क्या होता है, सोना। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है सोना, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए क्लियर है, आगे की ओर बढ़ा जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। चलिए समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करना, आपको 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पार्वती महेश्वरी, व्यवहारिक अव्यवहारिक, शेर शेरनी, लड़का लड़के। चलिए जवाब देखिए, यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए पार्वती महेश्वरी, ऑप्शन नंबर जो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। समानार्थी जोड़ी बोला गया था ना, पार्वती महेश्वरी जो है समानार्थी जोड़ी है, और व्यवहारिक का विलोम अव्यवहारिक होता है, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होता है, और लड़का का जो बहुवचन होता है वो लड़के होते हैं। क्लियर है, तो ये आपके समानार्थी नहीं है, बल्कि ऑप्शन ए जो है समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह रहा है नहीं है, तो बताइए कौन सा यहाँ पर समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। चलिए जवाब देखिए, आना शुरू हो गया, ऑप्शन बी बी बी, निशा निशाचर। निशा मतलब होता है रात्रि, और निशाचर मतलब क्या होता है भैया, निशाचर मतलब होता है राक्षस, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सुमन पुष्प समानार्थी है, पाठशाला विद्यालय समानार्थी है, चारपाई खटाई खटिया, ये भी आपके क्या हैं, समानार्थी हैं। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी वाला शब्द विकल्प है, सर्प का समानार्थी बताना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए, 5 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं जिससे आपके जो टेस्ट हैं जल्दी ख़त्म हो जाए। और अगर आप अभी तक आपने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो सर्प का समानार्थी शब्द व्याल होता है, तो जितने लोग यहाँ पर व्याल यानी कि ऑप्शन सी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अभी हाल ही के एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, समझ में आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दो। PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और वेबसाइट से जुड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द की सही समानार्थी शब्द है, तो हिरण, हिरण का जवाब देखिए क्या हो जाएगा, कुरंगम। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कुरंगम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, 7 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 और 8 के लिए यहाँ पर कह रहा है कि उस शब्द का अर्थ नहीं है, आपको यहाँ पर याद रखिएगा इनमें से कौन सा एक विकल्प गलत है, यानी कि तक्षक का अर्थ यहाँ पर कौन सा नहीं है, आपको ये जवाब देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना,
तो चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई तक्षक का जो अर्थ होता है वो आपका बढ़ई, सूत्रधार, विश्वकर्मा, ये सारे तक्षक के अर्थ होते हैं, जबकि जो शिलान्यास है ये नहीं होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा तक्षक हो गया, चलिए क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है भाव, भाव का अर्थ कौन सा नहीं है, आपको यहाँ पर भी यही बताना कौन सा नहीं है। चलिए कौन सा जवाब यहाँ पर सही होगा, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भाव का अर्थ देखिए दर भी होता है और विचार भी होता है, अभिप्राय भी होता है, लेकिन आपका भवन जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भाव मतलब आपको पता है ना कि विचार, दर, अभिप्राय, इसके अलावा ढंग भी हो सकता है, लेकिन आपका जो भवन है वो भाव का अर्थ नहीं है। तो समझ में आ गया ना। चलिए अब आते हैं एक और क्वेश्चन तरफ। टॉपिक क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पर कह रहा है गयंद, गयंद का यहाँ पर बताना अर्थ क्या हो सकता है, यहाँ पर ये बताना गयंद का अर्थ क्या होगा, उपयुक्त शब्द गयंद के लिए क्या होगा, ये जो बताना है गयंद के लिए आपको उपयुक्त शब्द बताना है। मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर दे रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर भी आप नहीं ढूंढो। तो गयंद के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो गयंद का मतलब होता है बड़ा हाथी। तो जितने लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। गयंद का जो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजन होगा, सॉरी व्यंजक होगा, वो आपका बड़ा हाथी हो जाएगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में आप बताइए सबसे उपयुक्त यहाँ पर क्या हो सकता है चारों ऑप्शनों में। मूढ़ चेता, मूढ़ चेता का मतलब क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब सभी लोग देना शुरू हो गए हैं। तो भाई मूढ़ चेता का मतलब होता है जिसकी बुद्धि या मति मूढ़ हो, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है मूर्ख, मूर्ख यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो आपसे कह रहा है प्रायोगिक, प्रायोगिक का अर्थ बताइए सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। प्रायोगिक के बारे में बात करते हैं तो प्रायोगिक का मतलब होता है जिसका नित्य प्रयोग किया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है। तो जितने साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। यार अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते हुए चले, यही तो एक मोटिवेशन होता है और कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रित शब्द का अर्थ क्या है, रित का अर्थ क्या होगा बताइए। ऋतु नहीं है, रित है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। भाई आप लोग का जवाब आ रहा है, ट्रेन भी आ रही है बगल से। तो 12 का जवाब करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, सत्य। रित का अर्थ होता है सत्य। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं वो लोग सत्य हैं, यानी कि सही हैं। चलिए हो गया सर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन तक हो गया ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अब यहाँ से थोड़ा सा अलग टॉपिक आ जाएगा। एक टॉपिक है व्याकरणिक कोटि। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह करना है। तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो काफ़ी लोग सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो पक्ष है, पक्ष आपका क्रियापरक व्याकरणिक कोटि हो जाएगा। पक्ष या प्रकार का जो संबंध होता है दोस्तों वो क्रिया से ही होता है या क्रिया से ही होता है, और यह दोस्तों क्रिया द्वारा सूचित कार्य की पूर्णता, अपूर्णता तथा बारंबारता का संकेतक होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं, जैसे वह गया, वह जाता है, वह जा रहा है, ये सारे सारे आपके क्या हो जाएंगे, पक्ष यानी कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। चलिए आए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से है, पद परिचय को क्या नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पद परिचय को क्या नहीं कहा जा सकता है या क्या नहीं कहा जाता है। चलिए ठीक है, पद परिचय को हम लोग पद निर्देश भी बोलते हैं, पद निर्णय भी बोलते हैं, पद पदान्वय भी बोलते हैं, लेकिन पद संगठन नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो भैया यहाँ तक के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। चलिए एक और नए टॉपिक पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लिंग। तो लिंग से आपका पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये आपका टॉपिक यहाँ पर जान लीजिए क्या है लिंग से। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन लिंग से, 24-25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन बताइए मन मनगढ़ंत, यहाँ पर आपको बताना है लिंग कौन सा लिंग है। मनगढ़ंत, सॉरी मनगढ़ंत में बताइए, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो कुछ लोग पुल्लिंग बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, जो मनगढ़ंत होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोअर टू के परीक्षा में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 जवाब दीजिए, यहाँ पर कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, आने ही आने होते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको सारे करवाऊंगा। चलिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है यहाँ पर, चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है सभी का। तो बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहा है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका डी है आय, जो
आय है दोस्तों वो आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि विवाद सार और रूप आपके पुल्लिंग शब्द है। तो चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन देख लो उसके बाद छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 4-3 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग हैं, गृह, पत्ता, चंदन और सभा। चलिए जवाब दीजिए, जवाब आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं सभा, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, जो आपका सभा है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि गृह, पत्ता, चंदन ये सारे के सारे आपके आपके पुल्लिंग शब्द हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, दुख, लेख, गरिमा और स्पर्श। बताइए, दुख, लेख, गरिमा और स्पर्श। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम 4 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर गरिमा, ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है, गरिमा वो आपका क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पर लगभग लगभग सही जवाब दिए हैं। 4 के बाद आते हैं 5 पर। तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सारे ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हर क्वेश्चन को देखते चलिएगा, चारों ऑप्शन रटते हुए चलिएगा कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। चलो आप देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर भाई जो झील है, झील आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि देश, नगर और द्वीप आपके जो हैं आपके पुल्लिंग शब्द हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। जवाब दीजिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बताइए, देव, देवी, मामा, मामी, कांत, कांति और गधा, गधी। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, कांत और कांति। जो इस कांत और कांति जो है ये जोड़ा सही नहीं है, समझ में आ गया ना। कांत का जोड़ा क्या हो सकता है, कांत का स्त्रीलिंग शायद कांता होता है। आप लोग भी करेक्ट कर दिया, इफ़ आई एम रॉन्ग तो करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे तो यही लगता है। चलिए क्लियर है सर, जवाब देखिए सबके सबके सही आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है 7 का, शोभा, शस्त्र, पालन और नृत्य। क्वेश्चन नंबर 7 में याद रखिएगा, जो आपका शोभा है, वैसे नाम भी शोभा है, स्त्रियों का नाम होता है, तो यहाँ पर शोभा आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, जबकि शस्त्र, पालन और नृत्य इन तीनों को ध्यान रखिए, ये आपके पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। कहीं आपसे पूछ लें नृत्य कैसा शब्द है तो आपको क्या बोलना है, पुल्लिंग शब्द है। गलती से ये मत बोलना कि नृत्य जो है नर्तकियाँ करती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग हो सकता है, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। यहाँ पर भी आपको स्त्रीलिंग शब्द को अलग करना है, 4 ऑप्शन है स्त्रीलिंग शब्द को अलग करना है, हुलास, हमला, हरकत और हवाला। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो हरकत बिल्कुल करेक्ट जवाब यहाँ पर आ रहा है सभी का, हरकत जो है ऑप्शन नंबर बी वो आपका क्या हो जाएगा भाई, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, जबकि हुलास, हमला और हवाला ये सारे के सारे आपके पुल्लिंग शब्द हैं। क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। बताइए, छाछ, तिल, काढ़ा और टेसु, इनमें से बताना आपको स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है, जो छाछ है, छाछ जो होता है वो आपका एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, जबकि तिल, काढ़ा, टेसु ये सारे के सारे आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए, कह रहा भील का स्त्रीलिंग क्या है। बताइए, भील का स्त्रीलिंग, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भील के अगर हम बारे में बात करते हैं तो भील जो है आपका एक पुल्लिंग शब्द है, और भील का स्त्रीलिंग होता है भीलनी। कौन सा भीलनी, ये वाला ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि इन चारों में कौन सा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है, जो सनक, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, सनक वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि सलाद, सारस और सलाम ये आपके पुल्लिंग शब्द है। देखिए अभी तक जिसने वीडियो को यार लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करते हुए चलो, और अभी अभी जो जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है, तो आप कहीं से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इन चारों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए, इन चारों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, किन्नर, अंतरी, अहिंसा और अपरिग्रह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, अहिंसा। अहिंसा जो है दोस्तों आपका, वो आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, समझ में आ गया ना। जबकि दया, अगर हम बात करें दया हो गया या कृपा हो गया या बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आया है किन्नर, किन्नर याद रखिएगा या पुल्लिंग नहीं है आपका, ये उभयलिंग या तृतीय लिंग हेतु प्रयुक्त होता है। इसके अलावा और चारों ऑप्शन देख लो जो क्लियर कर लो। तो यहाँ पर चलिए
और अंतरी और अपरिग्रह ये आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। अंतरी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग यहाँ पर अंतरी को गलत करके आ सकते हैं, तो अंतरी जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, इसलिंग मत कर दीजिएगा। और यहाँ पर किन्नर के बारे में ना एक चीज़ मेरे को याद आ रही है, एक किताब है डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की किताब है, उन्होंने अपनी पुस्तक में जो आधुनिक हिंदी की पुस्तक है उसमें किन्नर को पुल्लिंग दिया है, तो कहीं कहीं किन्नर को पुल्लिंग माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आयोग है उसने स्त्रीलिंग इसको क्या बोलते हैं इसको उभयलिंग माना है। तो याद रखिएगा ये उभयलिंग है ज़्यादातर, अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो आप लोग पुल्लिंग को टिक कर सकते हैं स्त्रीलिंग के अलावा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, ठठेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देखिए यहाँ पर आने शुरू हो गया, तेरा ठठेरा। चलिए 13 का जवाब आना शुरू हो गया है तो ठठेरिन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, क्लियर है। यार काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी कंप्यूटर के वीडियो कमेंट अभी भी करते हैं, सर कंप्यूटर का वीडियो जो है प्रोवाइड करिए, कंप्यूटर का वीडियो दीजिए। तो भैया कंप्यूटर के वीडियोस में लगातार अपने सेकंड चैनल पर दे रहा हूँ, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो क्यों नहीं आप जाते हैं वहाँ पर, क्यों नहीं आप कंप्यूटर के वीडियोज़ को देखते हैं वहाँ पर भी। मैं प्रोवाइड इसलिए करता हूँ उस चैनल पर जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे, इसलिए वहाँ पर आप लोग जाओ उसको सब्सक्राइब करो, कंप्यूटर के वीडियोज़ वहाँ पर देखो, यूपी जी के वीडियो वहाँ पर देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विदुषी, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, विद्वान पुरुषों को विद्वान बोला जाता है, महिलाएं विदुषी होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए चार ऑप्शन है, बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया माया भाषा आभार। तो चलिए दया माया और भाषा, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, जो दया है और माया है और भाषा है ये सारे सारे आपके पुल्लिंग शब्द सॉरी स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि आपका जो आभार है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, तो क्लियर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका आभार हो जाएगा, तो याद रखिएगा आभार आपका पुल्लिंग शब्द है और ये दो तीनों दिए गए आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, मैंने गलत बोल दिया था क्या जल्दी में, तो याद रखिएगा दया माया भाषा ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं और ये आपका पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए, तन। चलिए तन का जवाब दीजिए सभी लोग, तन बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, तन जो है आपका एक पुल्लिंग शब्द है, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, तन जैसे कैसा शब्द है भाई आपका एक पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, सभी लोग रेडी हो जाइए, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए चार ऑप्शन दिए गए हैं पुल्लिंग शब्द बताना है आपको, आशा क्षमा क्षमा बोलते हैं कष्ट और सेना, तो बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पर जो सेना सॉरी यहाँ पर जो कष्ट है याद रखिएगा कष्ट जो है वो आपका एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि आशा क्षमा और सेना ये आपके इसी लिंग के अंतर्गत आएंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है, जो खेत या क्षेत्र जो होता है वो आपका एक पुल्लिंग शब्द होता है, जबकि क्षमा घटना और रीति जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए 19 नंबर पर क्वेश्चन आते हैं, तो 19 नंबर कह रहा है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया वायु प्रार्थना और नेत्र। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो नेत्र दया वायु और प्रार्थना, जवाब देखिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेत्र के बारे में, तो नेत्र जो होता है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन डी बोल रहे हैं बिल्कुल वही करेक्ट हैं, और जो लोग इधर उधर जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट कर लें अपने आप को, प्लीज़ करेक्ट करें अपने आप को। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, बताइए क्रियार्थक या क्रियार्थक जो संज्ञा होती है सदा किस रूप में रहती है, क्रियार्थक संज्ञा। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया, सदा एक वचन पुल्लिंग में, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है, वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती है वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो कहना, कहना, इसके अलावा आप खाना, और क्या हो सकता है सोना, पीना, ये सारे के सारे आपके जैसे क्या होते हैं आपके क्रियार्थक संज्ञा के रूप में होते हैं, क्लियर है। चलिए आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर, तो आपसे कह रहा है वह निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए, चाहत मेहनत रंगत और आहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, चाहत मेहनत रंगत और आहार, जवाब देखिए बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है आहार, आहार हो गया, या अगर मैंने इसके पहले आपको बताया था आभार हो गया, तो आहार या आभार दोनों आपका पुल्लिंग शब्द ही होता है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पर, तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुल्लिंग वाचक शब्द को छाटिए, कैमरा प्लेट पायल और तलवार। तो भैया यहाँ पर पुल्लिंग बताना है, तो पायल और तलवार और प्लेट
और कैमरा, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर ए ए ए, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। जो कैमरा होता है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, जबकि पायल, प्लेट और तलवार आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, क्लियर है। चलिए 22 नंबर पर आते हैं, आपको मिलान करना है स्त्रीलिंग का पुल्लिंग से, तो सभी लोग देख लीजिए अच्छे से, इसको मिलाइए। चलिए देखते हैं, सभी लोग मिलाइए, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं, सबका आना शुरू हो गया, कुछ लोग ए यहाँ पर बोलना शुरू कर दिए हैं। तो पुल्लिंग, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साहब के बारे में, तो साहब का स्त्रीलिंग मेम होता है, पिता का माता होता है, हाथी का हथनी होता है, और सांप का सापिन होता है, यानी कि 3, 4, 3, 2, 1 बिल्कुल करेक्ट बात है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है, और यहाँ पर बताना है कितने कथन आपके सही हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि अकारांत तथा अकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो बिल्कुल करेक्ट बात कह रहा है कि इकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि जातिवादक शब्दों के अंत में स्वर का लोप कर, जातिवादक शब्दों के अंतों में स्वर का लोप कर, उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो देखा जाए तो दोनों कथन सही है। जी हाँ भैया, देखो पहला कथन का मतलब क्या है कि अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे नर का नारी, नर का नारी, नर आपका अकारांत है, ई लगा दिया, इकारांत बना दिया, तो स्त्रीलिंग हो गया। और क्या करते हो भाई आप, नर का नारी, लड़का का लड़की कर देते हो, समझ गए हो ना। तो ये आपका पहले वाले का उदाहरण हो गया। दूसरे वाले की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जातिवादक बोधों के शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल माली का, माली में क्या करते हो, माली में इन लगा दो तो मालिन हो जाता है ना, अंतिम का योद करके हटा करके मालिन कर देते हो, बनिया का बनियाइन कर देते हो, समझ गया ना, बनिया का क्या होता है, बनियाइन होता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से दोनों के उदाहरण क्लियर हो गए, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भैया आपके स्त्रीलिंग पुल्लिंग एकवचन बहुवचन अभी तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए, क्लियर है। सभी लोग को समझ में आया अभी तक का वीडियो? चलिए अगर आपको समझ में आ रहा तो अभी तो अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, इतने लोग जुड़े हो रहे हैं, वीडियो को लाइक करते हुए चलो। और पीडीएफ के लिए फिर से वही कहूँगा कि आपको सेकंड चैनल पर, सॉरी अपने हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए अब आते हैं सीधे हम लोग किस पर, विज्ञान के क्वेश्चंस पर। तो विज्ञान से फिर से वही टॉपिक वाइज मैं आपको करवा रहा हूं, तो टॉपिक वाइज ही चलेंगे। तो आपका आज का टॉपिक, पहला टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि से पहला क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन वैसे भी आसान रखते हो जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए। तो ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है, बताइए, इसके तारत्व को तय करती है। याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है ना, क्योंकि इनके संचरण के लिए ठोस, द्रव, गैस, इन माध्यमों की आवश्यकता होती है। और ध्वनि तरंगों का जो विश्लेषण होता है उनके आयाम और उनकी आवृत्ति के आधार पर किया जाता है। और ध्वनि की जो तीव्रता होती है, याद रखिएगा, देखिए ध्वनि की तीव्रता आयाम के आधार पर, और जो तारत्व यानी कि जो पिच होती है वो आवृत्ति के आधार पर करते हैं तय। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। और ध्वनि की तरंग की यहाँ पर तारत्व पूछा है तो सी कर दिया, अगर यहाँ पर ध्वनि की क्या बोलते हैं तीव्रता पूछा गया होता तो आयाम कर देते। तो दो चीज़ें होती, तीव्रता यानी कि लाउडनेस और तारत्व यानी कि पिच, क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है। चलिए ये तो बहुत ही ऑप्शन आसान है, अभी मैंने बताया ध्वनि का जो गमन है ठोस, द्रव, गैस से हो सकता है, यानी कि पानी क्या है, द्रव है, हवा, गैस है, इस्पात, ठोस है, तो इनसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डी, निर्वात से नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है, किसी संगीत की ध्वनि, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, बताइए ध्वनि तीव्रता किसमें मापते हैं। बिल्कुल करेक्ट जवाब आना शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर डी, डेसीबल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। किसी ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो डेसीबल में मापी जाती है, समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, बताइए कृषि कार्य में जो ट्रैक्टर लगा होता है उसकी आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहा है, 90 डेसीबल से ऊँचा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामान्यतः ये 90 से 100 डेसीबल के बीच में रहता है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, बट याद रखिएगा 90 से ऊँचा नहीं होना चाहिए। अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए कि किस से नहीं अधिक होना चाहिए तो 90 लगाना, कुछ लोग 100 यहाँ पर बोल रहे थे बट 100 वाला गलत होगा। अगर आपका क्वेश्चन ये पूछा होता कि सामान्यतः कितना होता है तो 90 से 100 आप बोल सकते हो।
क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है, ध्यान से देखिए कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि यानी कि जब भी आप कोई चीज रिपीट बोलो तो वो रिपीट होकर आपको सुनाई पड़े, जैसे आवाज़ गूंजती है ना, उसी को प्रतिध्वनि बोलते हैं। चलिए 5 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका जो बी है 17 मीटर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में अगर इस क्वेश्चन में जाएंगे तो याद रखिएगा जब भी कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। कितने सेकंड तक? जब भी कोई ध्वनि होती है तो 1/10 सेकंड तक वो उसकी जो संवेदना है ना हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में बनी रहती है। और मनुष्य का जो कान होता है ना उन्हीं दो ध्वनियों के बीच का अंतर कर सकता है जो न्यूनतम 1/10 सेकंड के समय अंतराल पर सुनाई दे। समझ में आ रहा है ना? और इसलिए जो प्रतिध्वनि होती है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए यह आवश्यक है कि कोई ध्वनि किसी वस्तु से टकरा कर 1/10 सेकंड में स्रोत के पास वापस लौटे। और वायु में ध्वनि का जो वेग होता है कितना है? 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना भाई? 332 मीटर प्रति सेकंड है। और इतना सेकंड है, अब इसी से हमें निकाला जाएगा 332 × 1/10 करोगे तो 332 लगभग जो दूरी मीटर आएगी आपकी 33 मीटर आएगी। अब 33 मीटर जो आई है, याद रखो, तो जो 33 मीटर आया है इससे देखो 33 मीटर की अगर कोई दूरी हो जाएगी तो हमें प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी, लेकिन इसी का आधा कर दो तो हमें प्रतिध्वनि सुनना है ना, यानी कि 1/10 सेकंड में हमारा रहता है, तो 33/2 अगर 2 कर दोगे तो अगर इससे आधी कोई दूरी हमारी वापस टकरा के आ जा रही है तो उसी वो जो ध्वनि होती है वो रिपीट हो जाती है। लगभग आपका कितना होता है? 16.5 के आसपास होता है। इस यहीं से आपका लगभग 17 मीटर आया है। अब इससे ज़्यादा डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। समझ में आ गया ना? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आपसे कह रहा है कि वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट कर देंगे हम लोग? फिर से डी वाला करेक्ट कर देंगे, 17.2 मीटर लगभग पूछा गया ना, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? बताइए निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो 7 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यानी कि 100 हर्ट्ज। मनुष्यों में ध्वनि की जो श्रव्यता का परिसर होता है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 100 हर्ट्ज यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी बोले वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज का ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं, तो 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना सर? और इसके अलावा बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं, श्रव्य तरंगे, अश्रव्य होती है, पराश्रव्य होती है, अपश्रव्य होती है, तो आपने सब पढ़ाई होगा, बट अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जाकर के फिर से एक बार आप लूसन उठाइए, देख लीजिए, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मेरा काम है प्रैक्टिस करवाना है, तो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको करवा ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए, इसका जो टॉपिक है चालकता है, और चालकता से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? चलिए जवाब दीजिए, बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। अभ्रक जो है एक गैर धात्विक खनिज मान सकते हो इसको, और ये बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। इसका उपयोग जो होता है मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि भैया इसमें क्या होता है, विद्युत रोधन क्षमता जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, कौन सी धातु का ताप अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? देखिए यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ताप का अच्छा बिजली का बुरा, तो वही सेम क्वेश्चन यानी कि सेम आंसर हो जाएगा अभ्रक, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन दिए गए, आराम से इस पे टिक कर सकते हो, जवाब भी देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। जब भी जल की बात करता है तो समुद्री जो जल होता है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। क्यों? क्योंकि समुद्री जल में बहुत सारे आपके जो लवण होते हैं वो घुले होते हैं, और जब भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो लवण होते हैं वो धनायन ऋणायन में टूट जाते हैं और विद्युत धारा को प्रवाहित करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका अलग टॉपिक से है, थोड़ा सा मान सकते हैं गुरुत्वाकर्षण की टॉपिक से है। कह रहा है कि स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वो गेंद कहाँ गिरेगा? क्लियर है भाई, यात्री के हाथों में तो गिरेगा, आप लोग खुद ही किसी मोबाइल क्या बोलते हैं अपनी गाड़ी में बैठे रहो और ऊपर कोई चीज़ फेंको तो आपके हाथ में आके गिरती है, यानी ये नहीं है कि आप वो पीछे जाके गिरेगी, तो ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी स्थिर गति से कोई ट्रेन या कोई गाड़ी है, कोई भी चीज़ दौड़ रही है, उसमें अगर कोई बैठा यात्री गेंद को ऊपर की दिशा में फेंकेगा तो गेंद उसके हाथ में बिल्कुल क्षैतिज जा करके गिरेगी,
समझ में आ गया ना। जिसका कारण क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ना कि उस गेंद का जो क्षैतिज वेग है वो उस ट्रेन की गति के बराबर ही हो जाएगा, ये समझिएगा। जैसे आपने ये यहाँ पर इंसान बैठा है, इसने गेंद ऊपर फेंका, तो इस गेंद का जो वेग है, क्षैतिज जो वेग है, वो ट्रेन या गाड़ी की गति के बराबर ही हो जाएगा। इसी वजह से आप फेंको, आप भी आगे बढ़े, गेंदा भी आगे बढ़े, आपके आके आपके हाथों में जाकर के गिर जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका नाभिकीय भौतिकी से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? चलिए सभी लोग जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहा है भाई। भारत का जो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है वो आपका अप्सरा है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसका प्रारंभ जो है अगस्त 1956 में मुंबई के निकट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC ट्रांबे में हुआ था। क्लियर है? BARC का मुख्यालय कहाँ पर है? ट्रांबे में है, यानी कि तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग जवाब दीजिए, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? जवाब देखिए वही सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है अप्सरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके पास इसके बारे में तो बता ही दिया, परमाणु रिएक्टर बोले या न्यूक्लियर रिएक्टर बोले एक ही चीज़ होता है, बस हिंदी और इंग्लिश का फर्क है। 14 नंबर का जवाब दीजिए कि भारत का पहला नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत .. में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए देख सकते हैं मंडी परिषद परीक्षा में आपका पूछा गया था, तो 14 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में स्थित, याद रखिएगा जो भारत का पहला नाभिकीय पनडुब्बी है, तो ये नाम याद रखो INS अरिहंत भारत का पहला नाभिकीय पनडुब्बी है, वो विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, हीलियम, रेडियम, एक्टिनियम या यूरेनियम, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यूरेनियम वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का यूज किया जाता है, समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, विद्युत धारा से संबंधित क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? बताइए किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करती है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं भाई, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा ही एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए सभी लोग कि आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? चलिए दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, सवाल जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका बी है विद्युत एस्थेटिक बल, यानी कि जो आपका ये कहा गया है कि आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को विद्युत एस्थेटिक बल कहते हैं, और इस बल को कूलाम बल भी कहा जाएगा। और मान लीजिए ऑप्शन में आपका कूलाम होता तो इस बल को कौन सा बल भी कहा जाता है? कूलाम बल भी कहते हैं, और समान आवेश में प्रतिकर्षण व विपरीत आवेश में आकर्षण होता है, याद रखिएगा समान आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसी को डीसी में किसके जरिए परिवर्तित किया जाता है, या एसी धारा को डीसी में, बताइए प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में किसके जरिए बदला जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, दिष्टकारी द्वारा। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, रेक्टिफायर द्वारा बदलते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर के द्वारा किस क्या बदला जाता है भाई? डीसी को एसी में, बिल्कुल सही बात है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है। चलिए याद रखिएगा चालक के माध्यम से जो प्रवाहित धारा होती है, ओम का नियम तो सबको याद है ना, भी बराबर IR, तो यहाँ पर याद रखिएगा विभवांतर के प्रत्यक्ष आनुपातिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विभवांतर के प्रत्यक्ष आनुपातिक होती है प्रवाहित धारा, भी समानुपाति I, तो यहाँ पर ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। भी बराबर क्या होता है? IR हो जाता है, यहीं से तो निकल के आया है ना, तो R आपका क्या होगा? देखिए R आपका भी बटे R आ जाएगा, तो आपका जो प्रवाहित धारा होता है वो विभवांतर के समक्ष क्या होता है? आनुपातिक होता है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है तरंग गति से, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि सामान्य या समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है?
कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो निकटतम कणों के बीच की दूरी। जब आप देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही बात है। तरंग दैर्घ्य की परिभाषा ही समझ लो ये है, किसी माध्यम के किसी कण के एक पूरे कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिए। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इसका सही जवाब देते हैं। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, रेडियो तरंग का जो वेग होता है वो 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि प्रकाश की चाल के बराबर रेडियो तरंग की वेग का भी चाल होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं बताइए। किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं, तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो रेडियो तरंगों में सबसे ज़्यादा होता है। रेडियो जो तरंगे होती है, अभी मैंने कल आपको बताया था 3×10^14 एंगस्ट्रॉम लगभग होता है, या 3×10^9 से लेकर 3×10^14 तक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, रेडियो तरंगों की जो सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। जवाब दीजिए कि FM प्रसारण बैंड के बीच होता है, FM प्रसारण बैंड के बीच होता है, किसके बीच में होता है। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो FM प्रसारण बैंड वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के बीच होता है। तो यहाँ पर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी VHF इस रेंज के बीच होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाई फ्रिक्वेंसी ये है आपका हाई फ्रिक्वेंसी, और UHF का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, समझ में आ गया ना। और जो आपका VHF होता है वो लगभग आपका कितना होता है भाई, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य होता है। HF जो होता है वो आपका क्या होता है, HF की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर शायद मिस्टेक हो रहा है, HF की बात करते हैं तो ये आपका 80 मेगाहर्ट्ज़ के बाद, ये 80 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के पास होता है। और जो VHF होता है ये आपका लगभग होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज़, ये होता है 300 के आसपास ये होता है। और UHF की जो बात होती है ये होती भाई बहुत ज़्यादा, 300 से लेकर के आपका 3000 मेगाहर्ट्ज़ के बीच होता है, ये होता है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। तो आखिरी क्वेश्चन जवाब दीजिए सभी लोग कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्यों, बताइए। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्यों, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, पत्थर को लुढ़काने में जो किया गया कार्य है इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्य बराबर बल गुणे दूरी, आपने पढ़ाई होगा ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर UPSSC जो तैयारी है इस चैनल पर, सेकेंड चैनल पर हर जगह चल रही है, तो सब लोग आएँ। और सभी को फिर से जाते जाते एक ही चीज़ कहना चाहूँगा यार, प्लीज़ सेकेंड चैनल पर जाओ, जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उसको जाकर के देखो जरूर, समझ में आ रहा है ना। चलिए क्लियर है सर, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।